إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين मुहतरम सामईन इकराम, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन माओ बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना जो कुछ दिनों पहले हम पर साया फगन हुआ था नहायत ही तेज़ी के साथ अपने अख्तिताम की यानी बल्लाए। यह मुबारक महीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संदाज से गुजारते थे, क्या कैफियत आपकी होती थी रमज़ान के गुज़िश्ता अय्याम में। रमज़ान के जितने भी अय्याम हमने गुजार दिए उन अय्याम में क्या हमने उन कैफियत को इख्तियार किया, क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़वा परहेज़गारी इख्तियार की, क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी को तलाश करने की कोशिश की, क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत व मग़फ़िरत को तलाश करने की कोशिश की, क्या हमने अपने दिल व दिमाग को रब्बे कायनात के इबादत के लिए आमादा किया, क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में वो इखलास पैदा कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान को अपने गिरेबान में झांक करके करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ज़िम्ने में आ जाएं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रगिमान फुरजुलिन अदरका रमज़ान सुम्मन सलख फ़लम यग़फ़र लहू फ़लम यग़फ़र लहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक ये खाक आलूद हो, वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए कि जिसको रमज़ान का महीना नसीब हो उसके बावजूद वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। रमज़ान का मुबारक महीना जिसका बुनियादी मकसद तकवा और परहेज़गारी करार दिया गया। ये तकवा और परहेज़गारी किस चीज़ का नाम है? ये तकवा और परहेज़गारी सिर्फ रमज़ान का चांद देख करके नमाज़ों की पाबंदी शुरू हो जाए और ईद का चांद होते ही वो नमाज़ें हमारी ज़िंदगी से रुखसत हो जाए, रमज़ान का चांद देख करके तिलावत कुरान की पाबंदी शुरू हो, रमज़ान का चांद देख करके दूसरी इबादतों की पाबंदी शुरू हो और ईद का चांद होते ही वो सारे के सारे आमाले सालिया गधे के सर से सींग की तरह हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाए, इसका नाम तकवा और परहेज़गारी नहीं है। ये तकवा और परहेज़गारी जिसका हुक्म दिया गया उसका बुनियादी पैगाम यह है कि इंसान पूरे साल के लिए अपने आप को तैयार करे, पूरी उम्र के लिए एक नेक और सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश करे, पूरे साल के तमाम अय्याम में नमाज़ों की पाबंदी हो, साल के तमाम अय्याम में तिलावत कुरान की पाबंदी हो, साल के तमाम अय्याम में इंसान कोई भी काम करे तो ये सोचे कि कहीं ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की तरफ तो नहीं ले जा रहा, कोई भी काम करे कोई भी कदम उठाए तो ये सोचे कि कहीं ये काम किताब व सुन्नत के मुखालिफ तो नहीं, इंसान कोई भी कदम उठाए तो इस तरह से उठाए जिस तरह एक मुसलमान किसी खालदार झाड़ी के दरमियान से गुजरता है नहायत एहतियात के साथ कि कहीं उसका जिस्म ज़ख्मी ना हो जाए, कहीं उन कांटों में उलझ करके उसका जिस्म और उसके कपड़े फट ना जाए, नहायत ये एहतियात के साथ गुजरता है। इस दुनिया के अंदर जितने खालदार फितने, इस दुनिया के अंदर जो आलाइशें जो बुराइयाँ हैं उनसे इंसान अपने दामन को बचा करके नहायत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजार करके अपने मौत के मरहले तक पहुँच जाए, ये तकवा परहेज़गारी का मफहूम है। यही रमज़ान के रोज़े का हकीकी मकसद है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ये रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की का खौफ और उसकी खशियत जागुजी हो जाए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। इससे पहले
कि मैं असल मौजू पर आऊँ और इस बात पर गुफ्तगू करूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इस आखिरी अशरे को किस तरह से गुजारते थे, ईद उल फितर के क्या है काम मसाइल, ईद उल फितर को अदा करने के और सदकतुल फितर को अदा करने के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से तरीके बतलाए, इसको बयान करने से पहले मजबूरन इस बात की वजाहत करनी पड़ती है कि मुसलमान जहाँ मुतबर्रक अय्याम में हर हर जगह पर बिदात व खुराफात का शिकार नजर आता है, मुतबर्रक अय्याम हो उनमें से भी मुसलमान बिदात व खुराफात से नहीं बच पाता है। आज का ये दिन जिसको जुमतुल वदा के नाम से मंसूब किया जाता है, ये जुमतुल वदा क्या चीज़ है, क्या कुरान और सुन्नत के अंदर इसका सबूत मिलता है? इस जुमतुल वदा के नाम से जिस अंदाज से मस्जिदों में भीड़ भाव देखी जाती है, जिस अंदाज से लोगों का एहतमाम देखा जाता है, इसके कोई असल ना तो कुरान के अंदर मौजूद है, ना हदीस के किताबों के अंदर मौजूद है, ना सहाबा के अमल से इसका सबूत मिलता है। ये जुमतुल वदा एक बिदत, एक फितना और एक मुसीबत बन गया कि मुसलमान रमज़ान के इस आखिरी जुमा में जुमा को अलविदा कह करके नमाज को अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह दे, जुमा को अलविदा कह करके रमज़ान को अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह दे, जुमा को अलविदा कह करके कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह दे, ये कौन सी चीज़ है जिसको हमने इस रमज़ान के मुबारक महीने में भी इख्तियार कर लिया, जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी ये बिदत हमसे नहीं छूट पाई? हमको गौर करना होगा, हमको अपना तर्ज अमल बदलना होगा, हमको अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। इसका ना सबूत ना हदीस की किताबों में, यह अगर कोई चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत का बयान करते, यह अगर कोई चीज़ होती तो सहाबे इकराम के अमल से इसका सबूत मिलता, इसका कोई सबूत कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। यह एक बिदत है जो हमने खुद ईजाद कर रखी है, हमको इससे बचना चाहिए। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी इस जुमा के अंदर इस नीयत के साथ इकट्ठा हुआ है तो उसको अपनी नीयत को तब्दील करना चाहिए और ये अज़्म कर लेना चाहिए कि जुमातुल वदा का का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना और पूरी जिंदगी के लिए यह अज़्म करना कि हमारी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, ये असल बुनियादी मसला और ये असल बुनियादी पैगाम है शरीयत इस्लामिया का, इस आखिरी जुमा का और रमज़ान के रोज़े का, रमज़ान के महीने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये आखिरी अशरा जो जिसके तकरीबन दो ताक रातें भी हमने गुजार दी, इस आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया। ये आखिरी अशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से गुजारते थे, क्या कैफियत आपकी होती थी, इसी आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल वयाल को जगाते थे, उनको इबादत पर आमादा करते थे, उनको इस बात की ताकीद करते थे कि वो लोग रात की नमाजों का अहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है, ये आखिरी अशरा ईद की तैयारी में गुजरता है, ये आखिरी अशरा बाजार की रौनकें बढ़ाने में गुजरता है। आप देख लें जिस तरह से इस आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ भाड़ होती है, रमज़ान के दूसरे अशरे में नहीं होती, आप खुद इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में अपने आप को मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देते थे, आज के दौर में हम अपना जायज़ा ले लें, एतिकाफ में बैठने वाले भी उसका हक, इस आखिरी अशरे का हक उस तरह से अदा नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे असलाफ ने अदा किया था, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान ने अदा किया था। ये लोग रमज़ान के महीने में खाने पीने की कसरत को छोड़ दिया करते थे, इस्तेताअत के बावजूद ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे जिन ग़िज़ाओं के नतीजे में उनके ऊपर गफलत तारी हो जाए, नींद तारी हो जाए, वो लोग सुस्तियों काहली का शिकार हो जाए। ये लोग सूखी रोटियों पर, खजूर और पानी पर इस वजह से गुजारा करते थे कि उनको बार बार कज़ाए हाजत की ज़रूरत ना पड़े, बार बार वजू करने की ज़रूरत ना पड़े। ये लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते थे, बल्कि जीने के लिए थोड़ी बहुत गिज़ा लेकर के अपने आप को रब्बे कायनात के हवाले कर देना, रब्बे कायनात की इबादत के लिए अपने आप को सर्फ कर देना, अपने आप को वफ़ कर देना, ये असलाफ की वो बुनियादी खसूसियात थी जो आज के दौर में मफकूद नज़र आती है। अल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा आता था तो अहया लैलहू, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और शाहरीन हदीस इसकी दो तरह से शरह करते हैं। अहया लैलहू बादशाहरीन हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रात का अक्सर हिस्सा जाग करके गुजारा करते थे। और बाद शारीन हदीस कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में पूरी रात जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफरत तलब किया करते थे। ये आखिरी अशरे कहा के जिसको अदा करने में आज मुसलमान कोताह नजर आता है, सुस्ती और काहली का शिकार नजर आता है। इसी हफ्ते के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को पूरे महीने भूखे और प्यासे रहने के नतीजे में खुशी का एक दिन अता किया है जिसको ईद उल फित्र के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूद नसारा खुशी के अय्याम मनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको इससे ज़्यादा बेहतर दिन अता किए, तुमको ईद उल फित्र की शक्ल में इससे बेहतर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद उल फित्र को तुम्हारे ऊपर ईद उल फित्र की दो गाना अदा करने को फ़र्ज़ किया है, खुशी मनाने का तुमको हुक्म दिया है। इस दिन खुशियाँ मनाई जाती हैं गैर मुस्लिमों की तरह से नहीं, जिस तरह से गैर मुस्लिम खुशी के अय्याम में शराब भी पीते हैं, नाच गाने भी होते हैं, सारी की सारी बुराइयों का इर्तिकाब होता है, लेकिन गैर मुस्लिमों की तरह से मुसलमानों की खुशियाँ नहीं होती। मुसलमानों को खुशी के अय्याम के मौके से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीरात को बुलंद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई को बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत इख्तियार करें। खुशी के मौके से भी मुसलमानों को हुक्म दिया, खुशी के मौके से ऐसा ना हो कि रमज़ान के गुजर जाने के नतीजे में ईद की नमाज तो हम रिवाज और रूटीन के तहत अदा कर लें लेकिन जोहर की नमाज हमारी फौत हो जाए, असर की नमाज हमारी फौत हो जाए। ये मुसलमान का शेवा नहीं है। मुसलमान कहीं भी जाता है, कहीं भी घूमने निकलता है, लेकिन जहां अजान होती है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आता है, उसके पास इतना वक्त होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत को इख्तियार कर सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर सके। इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रमज़ान के जहाँ चंद अय्याम बाकी हैं, इनको हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तग़फ़ार में सर्फ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तग़फ़ार करें और आइंदा की ज़िंदगी के लिए, आइंदा की पूरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन लाए अमल तैयार करके किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यह हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। रमज़ान का ये महीना, रमज़ान के जितने अय्याम गुजर गए, रमज़ान के इतने अय्याम में भी अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार नहीं किया, रमज़ान के इतने अय्याम में भी अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता इतना मजबूत नहीं किया कि रमज़ान के बकिया रमज़ान के अय्याम के बाद ज़ोर से सारे अय्याम में भी हम नमाज़ों की पाबंदी कर सकें, रमज़ान के इतने अय्याम में भी अगर हमने अपना रिश्ता अल्लाह से इतना मजबूत नहीं किया कि रमज़ान के बाद भी हमारी मस्जिदें आबाद रहें, तो माफ़ फरमाएंगे, रमज़ान के इन मुबारक अय्याम भी हमारे लिए बेकार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन बकिया अय्याम में इखलास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान को हमने ज़ाया कर दिया। असलाफ़ से ये ज़िक्र मिलता है कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता था, जब 29 रमज़ान हो जाता था, असलाफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से चिमट जाते थे और रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान को 30 दिन का बना दे ताकि एक दिन मज़ीद मिल जाए, एक दिन मज़ीद इबादत करने का मौका मिल जाए। ये असलाफ़ की सिफात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसके मुताबिक रमज़ान के इन मुबारक अय्याम को, रमज़ान के जो बकिया अय्याम है, इसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रमज़ान के इन मुबारक अय्याम में जो कुछ अय्याम रह गए उनमें इखलास के साथ मज़ीद इबादतों में मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अकूलु कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्ब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده واحد ورسوله والداعي إلى رضوانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصرف عنا البلاء والوباء اللهم أصرف عنا البلاء والوباء اللهم أعد رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.